अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई हैर हरियत से होंगे। वेलकम टू द बेरिश ट्रेंड। इस टाइम जो बिटकॉइन का सिनेरियो जा रहा है वो आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंसेक्यूटिव जो है आज तक इस तरह बेरिश इतना लंबा टेन्योर नहीं रहा कभी भी बीटीसी का। आप देख सकते हैं इसका पिछला एक रही है, दो रही है, चार रही हैं, लेकिन 7 जो हैं ये अभी तक नहीं रही। ओवरऑल ही मार्केट गिरी हुई है। 200 कंपनीज हैं ऑलमोस्ट यूके यूएस की, वो भी बेरिश ट्रेंड में है। ओवरऑल फेडरल मार्केट ही गिरी हुई है जिसकी वजह से बिटकॉइन भी नीचे आया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने बिटकॉइन के एनालिसिस करना है। तो ऑन डाउनवर्ड इसकी जो सपोर्ट है ऑन डाउनवर्ड 28,600, अगर हम इसको इसकी सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो ये है बेरिश ट्रेंड आपका। और ये बेरिश ट्रेंड आपका 22,000 तक अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। और इफ़ और दूसरा सिनेरियो में ये है कि अगर हम 31,400 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके बुलिश ट्रेंड में जाना चाहते हैं तो ही फिर ये बुलिश ट्रेंड हम काउंट करेंगे इसे। और पिछले कुछ दिनों से, हफ्ता डेढ़ हफ्ता से, आपको पता है बिटकॉइन 31,400 से लेकर, और जो मैंने आपको दूसरी ये बताई है 28,400, इसी के दरमियान रिवॉल्व कर रहा है, इसी के दरमियान अप एंड डाउन ये जा रहा है। इन दोनों ट्रेंडिंग लाइन में से सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसको क्रॉस करता है तो सिनेरियो उस तरह का हो जाना है। फंडामेंटल्स और जो सिनेरियोस देखे जा रहे हैं और जो न्यूज़ आ रही है वो तो कुछ बीटीसी की अच्छी नहीं आ रही। ये देखें इसी तरह ये इंटरेस्ट रेट जो एक इदारा है यूके यूएस का FOMC, ये भी इंटरेस्ट रेट ने इससे बता दिया 50 बेसिस पॉइंट्स पे ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, और ये पिछले 2 तिहाइयों से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा इस बार। तो अगर ये डेट अपनी दे देता है फलानी तारीख को होता है तो ये भी मार्केट में अच्छा खासा एक बेरिश ट्रेंड लेके आ सकता है। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग पूछ रहे थे DCA करने के लिए कौन से कॉइन्स अच्छे हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे सोल है, सोल आप 37-40 इसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह डोट है, डोट को मैं आपको रिकमेंड करूँगा 7-8 की रेंज में बाय करें। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि 9-10 की आप रेंज में से बाय करें। लूना से बिल्कुल दूर रहें। डोगी की एक दो न्यूज़ आ रही हैं, ये भी अच्छा कॉइन है, इसको भी आप देख सकते हैं। एडा अगर आपने रखना है 4-6 मंथ की होल्डिंग पे, और बिटकॉइन अगर बुलिश ट्रेंड में है तो एडा भी बहुत अच्छा कॉइन है। AP आपने इसकी NFT भी देखी होगी, AP बोर्ड मंकी वाली, उसमें भी डेवलपमेंट आ सकती हैं 2-6 मंथ में करी जाती हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉइन है। लेकिन फ़िलहाल
वन मंथ अप्रोक्सीमेटली कोई इसकी डेवलपमेंट की न्यूज़ नहीं आ रही। उम्मीद करता हूँ आपको BTC की प्रिडिक्शन के बारे में पता चल गया होगा। बाकी जो मैंने आपको दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं इनके ऊपर आप नज़र रखिए। मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा ऐसी जो आपको फ़ायदा दे। जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।